हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? भगवान करे आप सभी अच्छे हों, स्वस्थ हों और मस्त हों। तो दोस्तों, आज है रक्षाबंधन, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। तो यहाँ पे ना, ये हस्बैंड जी लाए हैं ऑफिस से, ये कह रहे हैं कि ये फूल है, मुझे नहीं पता इस फूल का नाम क्या है। तो कह रहे थे कि ऑफिस में इतनी मतलब बारिश से एक फूल का मतलब पेड़ टूट गया था, तो वो भी लेके आ गए। कह रहे थे सभी ले जा रहे थे, तो ये भी लेके आ गए। और घर में आके देख रहे होंगे आप लोग, एक लोटे में और एक मेरा जो छोटा सा जग है उसमें उन्होंने वो सजा के रख रखा है। तो ये कौन सा फूल है मुझे नहीं पता, यदि किसी को पता हो तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो दोस्तों, यहाँ पे ये है पिछले फ्राइडे की मेरी वीडियो। तो जब मैं सुबह सुबह उठी तो मेरा मनी प्लांट है ना, जो वो सारा यहाँ पे ये चूहा बाहर से काट के खिड़की पर ले आया। तो आप लोग देख रहे होंगे खिड़की पे, ये मैंने अंदर जब वो कुतुर कुतुर कर रहा था तो अंदर से देखा मैंने। शुक्र भगवान का ये हुआ कि अंदर से खिड़की बंद थी। और ये देख रहे होंगे आप, पूरा उसने मेरा पूरा मनी प्लांट काट दिया। यहाँ पे ये मैंने ऊपर बांध रखा था कि ताकि ऊपर चढ़ जाए। और ये इधर भी ये पत्ते मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए उसने, ये अब सूख गया यहाँ पे। तो मतलब आज ये सूख गया, उस दिन तो थोड़ा हरा दिख रहा था, तो बिल्कुल उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए इसके, यहाँ ऊपर तक जा रखा था ये। तो ये एक हफ्ते मतलब लगभग ये फ्राइडे का है, अब इस फ्राइडे को ये एक हफ्ता हो जाएगा। तो उस दिन की वीडियो है ये, और ये आप लोग देख रहे होंगे बाहर से ले गया वो अंदर को। और यहाँ पर दोस्तों ये भिंडी लग रखी थी, ये वीडियो भी मेरी काफ़ी पुरानी है। और भिंडी लग रखी थी यहाँ पे, और ये मतलब कि गांव की है ये भिंडी, और क्या बोलते हैं बैंगन, करेले और जो गांव की सब्जियां होती हैं वो सारी लग रखी थी। तो ये यहाँ पे बीन्स, और ये हैं कद्दू के पत्ते जो आगे से होते हैं, इनकी सब्जी बनती बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है इनकी। तो यहाँ पे चौलाई, कद्दू के पत्ते और मूली के पत्ते, ये सब चीज़ के जैसे मिक्स करके बनाओ ना तो बहुत अच्छी सब्जी बनती है इसकी। और ये है, जबकि मतलब गांव में गए थे तब की है ये। यहाँ पे भिंडी के पौधे, बैंगन का, और ये हमारा नहीं है, ये किसी और के खेत का है ये। हाँ, हमारा तो मतलब घर में कोई रहता ही नहीं है तो बोएगा भी कौन। तो यहाँ पे मतलब मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए ये वीडियो बना दी। तो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी ऑल क्लिक करना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बगीचा बहुत ही सुंदर हो रखा है, हरा भरा और अच्छा भी लगता है ना, ऐसा बगीचा देख के अच्छा भी लगता है। फूल भी उड़ के जो ये पत्ते वगैरह कद्दू के उसके मतलब सारी चीज़ें हैं, ककड़ी कद्दू लौकी है ना, तो अच्छा लग रहा था ये। तो यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। मैंने ऐसे ही एक वीडियो बना दी, ये लग रखे करेले और ये मतलब घर में जो ये पत्ते होते हैं ना उसके, ये होता है अरबी टाइप का होता है, हमारे यहाँ इसको क्या बोलते हैं, गेंठी, शायद गेंठी बोलते हैं। और ये अरबी के पत्ते, अरबी है ये, तो अरबी के पत्ते बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे खेत अच्छा लग रहा है, और भिंडी सब चीज़ हो रखा था, क्योंकि बरसात में ना जो ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो भी काट लेते हैं पत्तों को। यहाँ पे फ्लावर बहुत ही सुंदर लग रहा, पॉट में अच्छा लग रहा है, उसमें गमले में ये वाला सूख गया है। और यहाँ पे ये सब बहुत अच्छे हो रखे थे, बाकी कुछ मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रखे थे, कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे ये सूख गए थे। तो इधर आप लोग देख रहे होंगे, तो इधर ये फ्लावर हो रखे हैं, अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ऐसे लग रहा कि मानो कि ऐसे लग रहा कि अपने घर में भी लगाना था ये, ऐसे लग रहा था मुझे। ये एक ये फूल तो मेरे घर में भी है, मैंने भी लगा रखा है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बगीचा कैसा लगा, और ये बहुत ही अच्छा मौसम भी हो रखा है, व्यू बहुत सुंदर है, प्यारा सा लग रहा है, एंजॉय करने लायक हो रखा है। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। इधर देखो ये
बेल खूब फैल रखी है। तो एक दो वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पाई। और इधर का ये व्यू भी अच्छा लग रहा है। बगीचे का तो यहाँ पे सभी कुछ हो रखे हैं। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये होते हैं हमारे यहाँ ऐसे टमाटर, मतलब हो जाते हैं ये टमाटर लगाने नहीं पड़ते, ये अपने आप ही हो जाते हैं। कभी कभी तो मतलब जैसे बीज हो गया तो उसको डाल दो, खूब सारे हो जाते हैं। और अच्छा भी इनसे सब्जी बहुत सुंदर होती है। आजकल देखो कीड़ों ने ना सारे पत्ते भी चार दिए, छेद छेद कर दिए। भिंडी भी लग रखी है यहाँ पे, तो कीड़ों ने सारे पत्ते भी चार दिए ऐसे मतलब बरसात में। इसीलिए बोलते हैं कि हरी सब्जी बरसात में नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पे कद्दू की बेल भी खूब बड़ी हो रखी है। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी ही है। और आप लोगों को कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। आज की वीडियो इतनी ही है, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।